आज तो चलते हुए। अच्छा अच्छा तेजस्वी जी, क्या सही में ऐसा है? तेजस्वी जी हाँ, राम कदम जी मैं आऊंगी, जरा एक बार तेजस्वी जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लूं। जी तेजस्वी जी, जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखती हैं? ये जो पहली पहली बात इन्होंने बोली है कि पहली बात इन्होंने बोली ये एक इन्होंने पहली बात बोली कि इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है। समय के साथ ये पता चल जाएगा कि क्या बंदर अनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान तो संजय राउत जी हुए थे जब ड्रग्स को लेकर सवाल उठाया गया। छटपटाई तो महाराष्ट्र सरकार थी सर, इसने बिल्कुल भी साफ दाम दंड भेद। आप ये देखिए ना, छज्जा रहा होगा, चलिए अवैध पेंटिंग तो नहीं रही होगी, क्रॉकरीज तो नहीं रही होगी, फर्नीचर तो नहीं रहा होगा ना अवैध। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी पूरे जीवन भर महाराष्ट्र में रह के उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई तो वो सही है। आज एक लड़की महाराष्ट्र में रह के किसी गलत सरकार के कार्यशैली पे आवाज उठाई थी बाला साहब ठाकरे ने की मराठियों पे आवाज उठाई थी। ये जो बुलडोजर चला है मैं नहीं मानती कि कंगना रनावत के ऑफिस में चला है, ये बुलडोजर आपने बाला साहब ठाकरे की ईमेल पे चला दिया, ये बुलडोजर आपने चलाया है। सुनिए ये बुलडोजर आपने सपनों पे चला दिया और महाराष्ट्र सरकार। तो सर ये बुलडोजर आज तक क्यों नहीं चलाया था रवि जी? चलिए आप ही की बात पर आती हूँ, आप ही की बात पर आती हूँ ना रवि जी, आज तक क्यों नहीं चलवाया? रातों रात में सपना आया क्या कि अरे ये तो इलीगल है, अरे ये तो इलीगल है, ये तो अवैध है, मतलब रात में सपना आया था क्या? एक सेकंड, तो ये रात ही रात में इलीगल दिखाई दिया क्या? और कंगना आ रही थी तो कंगना का वेट कर लिया जाता? ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये तो कोर्ट ने कहा है कि भैया इंतजार कर लेते मकान मालिक का, इतनी काहे जल्दी थी आपको? कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है अभी तक, मामला सब बोला तो ऐसे टिप्पणी मायने तो रखती है कि नहीं रखती है, आप उसको कर रहे हैं? ये सवाल 22 तारीख को उठेगा, इस सवाल की आज कोई कीमत नहीं है कि जिंदा किया या नहीं किया, ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहती हूँ क्योंकि डिबेट हमारी आज देरी से शुरू हुई थोड़ा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन तमाम खबरों से हर वक्त बाखबर रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए जी हिंदुस्तान का नया मोबाइल ऐप जो है वो खासा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर होती है ताजा खबरें, यहां मिलता है लाइव टीवी का विकल्प, आप खबरों से अपडेट रहिए। इस ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए अपने गूगल प्ले स्टोर पर, या अगर आप आईफोन यूजर हैं तो अपने ऐप स्टोर पर जाइए और वहां से जाकर इसे डाउनलोड करिए। 5 भाषा जो आपकी भाषा हो उसमें इजीली आपको यह समझ आ सकता है। शुक्रिया। सफर पर है और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।